बाय। सो ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है आप ही लोगों का, कि आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे कि नीट में काफ़ी कम टाइम बचा है, अप्रॉक्स 25 डेज बचे हुए हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो इन सभी का जो मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं उसी का सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। जो आप लोगों ने पूछे थे सर क्या करना है, तो उसी का सोल्यूशन लो इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जितने भी निगेटिव पीपल्स हैं, निगेटिव पर्सन या थाउट हैं, उनसे आप दूर रहने की कोशिश करो, कीप डिस्टेंस अवे फ्रॉम दैम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल दूरी बना लो जितने भी निगेटिव थाउट या पर्सन है आपके लाइफ में, ठीक है, इन कुछ दिनों के लिए। आल्सो आपको कीप अवे डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन एक बड़ा आपको यहाँ पे इफेक्ट करेगा आपके स्कोर पे, बैड इफेक्ट करेगा, इफेक्ट नहीं बैड इफेक्ट करेगा। तो आप डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहो, क्योंकि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, डिमोटिवेशन सबसे ज़्यादा होगा, आपका कॉन्फिडेंस हर एक सेकेंड कम होता जाएगा, हर एक सेकेंड आपको कॉन्फिडेंस लो होगा। तो आपको उसको बनाए ही रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है ये आप देखो, ठीक है, क्योंकि आपका ये ड्रीम है, आपको इसको अचीव करना है। जब आप हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग कि नीट के लिए ये जो कुछ टाइम बचे इसमें आप क्या कर सकते, देखो आपको कई चीज़ें, कई सारे लोगों ने आपको काफ़ी चीज़ें बताए होंगे, मगर आप उनको बिल्कुल और बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइम है यहाँ पे न्यू चेंजेस आपको नहीं करने हैं, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश मत करो। जो भी पुरानी चीज़ें चल रही हैं उसी को आप अच्छे से इम्प्रूव करो, उसी को मॉडिफाई कर सकते हो आप, मगर न्यू चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना है। जैसे आप न्यू बुक कोई नहीं पढ़ सकते हो, न्यू टाइम टेबल नहीं बना सकते हो, या न्यू कुछ भी न्यू नहीं करना है, जो पुराना चल रहा है उसी को मॉडिफाई करना है और उसी को इम्प्रूव करना है, तब जाके बात बनेगी। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा आपका नीट का जो एग्ज़ाम है इस बार काफ़ी चेंजेस हुए हैं आपका टाइम टेबल में, क्योंकि आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया है 2 PM से लेकर 5 PM, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक माइंड सेटअप लेकर चलना पड़ेगा। और एक और माइंड सेटअप आप बना लो, सुबह उठने के साथ अपने आप को ये बोलो, शीशे में देखो, एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से बोलो कि कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे आज अपना 100% देना है। जब ये आपके माइंड में जाएगा ना, आपके जितने अंदर न्यूरॉन चल रहे होंगे ना सारे एक्टिव हो जाएंगे, जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ने के लिए आपको वो क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। तो सुबह उठने के साथ ही अपने आप को बोलो कि नहीं, कल मेरा नीट का एग्ज़ाम है या एम्स का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, मुझे आज अपना 100% देना है। जब ये आपका एटीट्यूड हो जाएगा ना, तब वो काफ़ी हेल्प करेगा। इस टाइम में यही आपको मेंटेन करना है, और इन ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि अपने आप को बोलना कि कल मेरा लास्ट डेट है, कल आज मेरे पास लास्ट डेट है, कल मेरा एग्ज़ाम है, तो इसको आपको बिलीव करना पड़ेगा और अपने बॉडी को बिलीव करवाना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब मैंने बताया कि आपका टाइम टेबल चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, अगर आपको सुबह पढ़ने में मन लगता है या आप पढ़ रहे होगे तो ठीक है, आप पढ़ते रहो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मगर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत ही बेनिफिट हो सकता है आपको। देखो अभी आप ये देखो कि आपको 2 बजे एग्ज़ाम देना, तो आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए 2 बजे के लिए, तो उसके लिए आपको 9 बजे से पहले और 8 बजे के बाद, मतलब 8 AM से 9 AM के बीच में आपको उठना है, ठीक है, ये टाइम सबसे सूटेबल रहेगा अभी के लिए। अगर आप हो सके तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो क्या मैंने बताया न्यू चेंजेस नहीं करने, अगर हो सके तो फॉलो कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, बायोलॉजी के लिए जाओ, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए, और सबसे लास्ट में फिजिक्स के लिए। तो बायोलॉजी में आप थ्योरी पढ़ सकते हो या रिवाइज करते हो, देखो रिवीजन इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन एक ऐसा वीपन है अभी आपके पास जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। देखो रिवीजन से ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, आपने 2 सालों में या तीनों जितने भी पास्ट ईयर में या पास्ट मंथों में जितने भी पढ़े हैं वो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो इस टाइम पे जो रिवीजन आपने किया होगा उसी पे उसका आउटपुट निकलेगा, उसी पे आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। तो इस टाइम पे आपको जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पास्ट ईयर के सिंपल पेपर के क्वेश्चन करने हैं। तो बायोलॉजी से आपको स्टार्ट करना है, थ्योरी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी थ्योरी पढ़ना है, और फिजिक्स में भी आप फॉर्मूले लर्न कर लो, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं सभी को लर्न कर लो, क्योंकि फिजिक्स में आपको फॉर्मूले बेसिस से क्वेश्चन आएंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, जब आप इन दोनों का जब आप मिक्सअप लेके चलोगे ना तो आपको फिजिक्स भी काफ़ी ईजी लगने लगेगा। तो ये सब करने के बाद आप जब 2 बज जाए, आप अलार्म लगा लो या कुछ भी लगा लो, आप ये डिसाइड कर लो कि 2 जैसे बजे
मुझे बैठ जाना है अपने स्टडी टेबल पे, रूम लॉक करना है, नो वाटर बोतल, नो टॉयलेट, नथिंग अलाइज, और मुझे 2 से लेकर 5 बजे तक मॉक टेस्ट देना है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, या पास्ट ईयर के सैंपल पेपर, या कुछ भी, या कोई मेरे पास प्रैक्टिस सेट पेपर है, या कोई भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना है उस बीच में, 2 PM से लेकर 5 PM तक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को एक्टिव रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अपने आप को एक्टिव रखने की आपको भी कोशिश करना है। अगर इस टाइम पे आपने अपना जो भी माइंड, देखो एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा माइंड के साथ भी खेलना पड़ेगा, तो ठीक है। और ये सब कुछ बातें थी, अब ध्यान रखना, एक इसका सेकेंड पार्ट और मैं बनाऊंगा, ठीक है, अब उसके लिए ज़रूर वेट करना। इस वीडियो में इतना ही, सेकेंड पार्ट के लिए ज़रूर और ज़रूर वेट करना, ठीक है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, ठीक है, वो वीडियो जल्दी ही आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही।